गांव के बीचों बीच महेश्वर का बहुत बड़ा घर था। खानदानी अमीर होने के कारण घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर उस बड़े से घर में महेश्वर और उसका एक नौकर यही दोनों रहते थे, इसलिए वो पैसों को दान कर देता। गांव के लोग उसे बहुत मानते और उसकी इज्जत भी करते। दिन भर लोगों का आना जाना होने के कारण उसका दिन काम और दान में निकल जाता था, पर रात को उसे बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता। एक दिन महेश्वर ने नौकर को अपने कमरे में बुलाकर पूछा, अरे सुनो, ये गांव के लोग दिन भर तो मेरे आगे पीछे घूमते हैं, पर रात को इन्हें क्या हो जाता है? कोई घर के आसपास से भी नहीं गुजरता, ऐसा क्यों? मालिक, ये सब उस सामने वाले पीपल के पेड़ की वजह से हो रहा है। गांव के सभी लोग उस पेड़ से डरते हैं। भला क्यों? क्योंकि गांव वालों का यह कहना है कि रात के समय उस पेड़ पर एक चुड़ैल का सिर लटकता दिखाई देता है। क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं मालिक, ऐसा ही है। कुछ दिन पहले मैं गलती से रात को बाहर चला गया था और अचानक मेरी नजर पीपल के पेड़ पर पड़ी। मैंने देखा कि जमीन पर किसी के सिर की परछाई पड़ी है। मैं डर के मारे भागा और सीधा अंदर आ गया। अरे तुमने कुछ और देखा होगा डरपोक। नहीं मालिक। अरे चुप, जाओ यहाँ से। नौकर वहां से चुपचाप निकल गया। महेश्वर अपने कमरे की खिड़की से उस पेड़ को देखने लगा। नौकर की कहानी की वजह से आज उसे वो पेड़ थोड़ा अलग नजर आ रहा था। चुड़ैल का सच जानने के लिए उसने खुद उस पेड़ के पास जाने का फैसला किया। महेश्वर धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ रहा था। वो पीपल का पेड़ चांद की हल्की रोशनी में बिल्कुल शांत और डरावना दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो पेड़ के थोड़े नजदीक पहुंचा, उसे जमीन पर कुछ साया सा दिखने लगा। वो थोड़ा डर गया, पर हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। महेश्वर पेड़ के पास पहुंचा, उसे वो कटे हुए सिर की परछाई साफ दिखाई देने लगी। उसने परछाई को ध्यान से देखकर ऊपर पेड़ की तरफ देखा। पेड़ पर कुछ भी अलग ना दिखने के कारण वो डर के मारे सोच में पड़ गया। तभी अचानक पेड़ से खून टपकने लगा और वो परछाई हिलने लगी। कुछ देर बाद चुड़ैल का डरावना सिर जमीन को चीरते हुए बाहर आने लगा। महेश्वर बुरी तरह से डर गया और घर की तरफ भागा। चुड़ैल के सिर ने महेश्वर का पीछा किया, पर पेड़ की परछाई के बाहर वो नहीं आ पाया। महेश्वर हांफते हुए घर के अंदर पहुंचा। नौकर महेश्वर को देखकर डर गया। अरे क्या हुआ मालिक? वो चुड़ैल का सिर मेरा पीछा कर रहा था। आप इतनी रात को बाहर गए ही क्यों थे? आपको कहा था ना मैंने। महेश्वर बेहोश हो गया। अगली सुबह महेश्वर उठकर खिड़की से उस पेड़ को घूरता रहा। इस चुड़ैल के सिर का कुछ करना पड़ेगा, इस पेड़ की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर ये पेड़ ही ना रहा तो हाँ, इस पेड़ को ही यहाँ से हटाना होगा, तभी वो चुड़ैल यहाँ से जाएगी। महेश्वर ने गांव वालों की मदद से उस पेड़ को वहां से हटा दिया। पूरा गांव महेश्वर की जय जयकार करने लगा, उसे दुआएं देने लगा। अरे महेश्वर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उस चुड़ैल को जड़ से मिटा दिया। सही कहा,
इस चुड़ैल ने हमारा रात को बाहर निकलना बंद कर दिया था। साहब, आप हमारे लिए और इस गांव के लिए भगवान हैं। अब आप सब लोग आराम से रात को घूम सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। सब लोग अपने अपने घर चले गए। महेश्वर भी अपने घर चला गया। रात हो गई, चांद की रोशनी बिल्कुल ना के बराबर थी। महेश्वर अपनी खिड़की से उस पेड़ वाली जगह को देख रहा था। तभी नौकर आके बोला, मालिक, आपको कुछ चाहिए? नहीं, जाओ, सो जाओ तुम। नौकर वहां से चला जाता है। महेश्वर बड़ी खुशी से सोने चला गया। आधी रात हो गई, सारा गांव गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक महेश्वर के कमरे की खिड़की खुली। महेश्वर खिड़की बंद करने के लिए खिड़की के पास पहुंचा। तभी बाहर से चुड़ैल का सिर कमरे के अंदर आया। महेश्वर बहुत डर गया। महेश्वर डर के मारे बेड पर चढ़ गया। चुड़ैल का सिर जोरों जोरों से हंसने लगा और उसके ऊपर घूमने लगा। महेश्वर रोते हुए चिल्लाने लगा, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। तूने मुझसे मेरा घर छीना, अब मैं तुझसे तेरा घर छीनूंगी। चुड़ैल का सिर खिड़की से बाहर आकर घर के ऊपर चारों तरफ घूमने लगा और घूमते घूमते बड़ा होने लगा। वो सिर अब और भी भयानक होने लगा। चुड़ैल का सिर एक जगह रुका और आंखों से लाल रोशनी निकालकर उस घर को आग लगा दी। अंदर से महेश्वर और उसके नौकर की चिल्लाने की दर्दनाक आवाजें आने लगी। वो सुनकर चुड़ैल और जोर से हंसने लगी। देखते ही देखते पूरा घर जलकर खाक हो गया। कुछ देर बाद उस मलबे में से एक पीपल का पेड़ उगने लगा। पेड़ पूरी तरह से बड़ा हो जाने के बाद उस चुड़ैल का सिर उस पेड़ के अंदर गायब हो गया। कहते हैं कि उस चुड़ैल की वजह से गांव के लोग रात में तो क्या, दिन में भी उस पेड़ के पास जाने से डरते हैं। क्या आपको हमारे चैनल स्पूकी स्पूकी फ्राइडे के वीडियोस पसंद आते हैं? अगर हाँ तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन्हें हमारे स्टोरीज सबसे पहले मिलते हैं। मनीष सरकारी नौकरी करता है। सालों बाद मनीष को नौकरी से छुट्टी मिलती है, इसलिए वो घूमने के लिए आजमगढ़ पहुंच गया। मनीष इस जगह से अनजान था। कितने साल बाद आज मौका मिला है मुझे घूमने का, ये छुट्टी मैं वसूल करूंगा, बहुत मजे करूंगा। तभी मनीष ने सामने टंगा एक बोर्ड देखा। मनीष ने गांव के अंदर कदम रखा। ये गांव तो बहुत ही सुनसान है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है यहाँ, बड़ी अजीब बात है ये। थोड़ी हवा चलती है, मनीष की आंखों में कुछ चला जाता है। उसे कोई चुड़ैल दिखती है और फिर वो गायब हो जाती है। मनीष डर जाता है। कौन है, कोई है यहाँ? तभी मनीष को कोई पीछे से धक्का देता है। देखो, मैं एक सरकारी नौकरी करता हूँ, मुझे कुछ हुआ ना तो तुम जो भी हो मुसीबत में आ जाओगे, मेरे सामने आओ। मनीष चुड़ैल को देख अपनी जान बचाने के लिए भागता है। वो दाहिनी ओर जाता है तो चुड़ैल वहां खड़ी हो जाती है, और बाईं ओर जाता है तो चुड़ैल वहां आ जाती है। जहां जहां मनीष भागता चुड़ैल वहीं आ जाती है। तू ही बोल रहा था ना, सामने आ तो मैं आ गई,
अभी डर के भाग क्यों रहा है? मुझे जाने दो। तू तो पढ़ा लिखा दिखाई देता है, तुझे बाहर लिखा हुआ बोर्ड दिखाई नहीं दिया क्या? पढ़े लिखे लोगों का आना मना है, तो तू क्यों आया? माफ कर दो। तेरे जैसे लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया। पर मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो यहाँ रहता भी नहीं हूँ। तेरे ही जैसा था मुकेश। कौन मुकेश? मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप के गुजरने के बाद मैं अकेली पड़ गई। मेरे पास सब कुछ था, बड़ी हवेली, बहुत सारे नौकर चाकर, बहुत सारे पैसे, सोना चांदी सब कुछ। बस एक ही कमी थी, मैं अनपढ़ थी। रानी जी, मेरे पिताजी राजा जी का सारा हिसाब किताब संभालते थे। उस दुर्घटना में अपने माताजी पिताजी के साथ मेरे बाबा की भी मृत्यु हो गई। हाँ हाँ, हम जानते हैं मुकेश। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? पिताजी के अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं कैसे अपनी जिंदगी गुजारूंगा? अगर आप मुझे कोई छोटा मोटा काम दे सकते तो बहुत अच्छा होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम यही हमारे घर के छोटे मोटे काम कर लिया करो। मुकेश हमेशा रानी जी के साथ रहा करता था, घर के छोटे मोटे काम किया करता था। एक दिन रानी जी हिसाब किताब की किताबें लेकर चिंतित बैठी थी, तभी मुकेश उनके पास आया। रानी जी, आप बहुत चिंतित दिख रही है, कोई परेशानी है क्या? हाँ मुकेश, मेरे पास बेशुमार दौलत है, सब कुछ है, पर मैं अनपढ़ हूँ। मेरे पिताजी ने लाख कोशिश की मुझे पढ़ाने की, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई। काश थोड़ा पढ़ लिख लेती, अब इन सब को संभाल नहीं पा रही। हिसाब किताब मेरे बस की बात नहीं है मुकेश। बस इतनी सी बात? रानी जी, मेरे पिताजी आपके पिताजी का हिसाब किताब संभालते थे, और अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो मैं आपका ये काम अवश्य कर सकता हूँ। तुमने तो मेरी उलझन ही सुलझा दी मुकेश, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम आज से ही इन किताबों का भार संभाल लो। जब से मेरी जिंदगी में मुकेश आया था, मानो मेरी चिंता दूर हो गई हो, और मुकेश हमेशा मेरे आसपास रहता था, मुझे वो पसंद भी आने लगा था। रानी जी, ये कुछ कागज है, आपका अंगूठा चाहिए, मैं ये कागज पढ़ दूं? नहीं मुकेश, कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम पर यकीन है। बोलो, कहाँ अंगूठा लगाना है? मैं मुकेश की हर बात मान लेती थी, जहाँ मुकेश अंगूठा लगाने को बोलता था मैं लगा देती थी। मैंने तो मुकेश और मेरी शादी के सपने तक संजो रखे थे, पर उस दिन कुछ लोग आए। कौन हो तुम लोग? जरा रुकिए, ऐसे कैसे घुसे चले आ रहे हो मेरी हवेली में? कौन हो? हम ये हवेली खरीदने आए हैं, हवेली के मालिक ने हमें बुलाया है। क्या? नहीं, हमने ये हवेली बेची नहीं है, और मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। अरे, पर इन कागजात पर तो मुकेश का नाम है। मुकेश ने सब कुछ अपने नाम पर कर लिया, मुझे धोखा देकर, और मेरा सब कुछ छीन गया। मुकेश ने हवेली से धक्का मारकर मुझे निकाल दिया। मैं पुलिस के पास गई, कोर्ट भी गई, महलों में रहने वाली मैं सड़कों पर आ गई, और ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने खुद अपनी जान दे दी। उस दिन से मैं चुड़ैल बन गई, और मैंने एक एक कर सबको मार दिया, पर मुकेश
मुकेश मेरे हाथों से बच गया। पर मैं मुकेश नहीं हूँ, मुझे जाने दो। मुझे पता है तू मुकेश नहीं है, पर उसी का खून है। तेरे बाप का नाम मुकेश है ना? पिताजी की गलती की सजा मुझे मत दो प्लीज। मनीष वहां से भागने लगता है, तभी जोर से आंधी आती है। मनीष कुछ देख नहीं पाता है। चुड़ैल मनीष को हवा में उठाकर पटक देती है। चुड़ैल ने मनीष की गर्दन धड़ से अलग कर दी और उसका सिर गांव के बाहर टंगे बोर्ड पर अटका दिया। इस गांव में पढ़े लिखों का आना मना है। एक गांव में अनु नाम की एक बौनी लड़की रहती थी, जो उम्र में 20 साल की थी, पर ऊंचाई में वो छोटी थी। एक दिन अनु और उसकी तीन सहेलियां कॉलेज से घर की ओर जा रहे थे। सुनो सब, आज हम कुएं में तैरने चले? हाँ, अच्छा आइडिया है, चलो बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ चलो। ए अनु, तुम कहाँ चली गई? तुम्हें तैरने आएगा? तुम तो अपने छोटे छोटे पैरों से तैर भी नहीं पाओगी। हाँ, और अगर पानी में डूब गई तो बेकार में हमारा नाम खराब हो जाएगा। इससे अच्छा ना तू घर जा और बाल्टी में तैर। क्या बकवास कर रही है। लड़कियां फिर से हंसने लगी और अनु वहां से निराश होकर घर चली गई। रात के समय अनु गुस्से में अपने घर से निकली और कुएं की तरफ चल पड़ी। थोड़ी ही देर में वो कुएं के पास आ पहुंची। कुएं का पानी काफी गहरा और शांत था। वो डर डर के कुएं में उतरी और तैरने लगी, पर उसे तैरने में तकलीफ हुई और वजन के कारण डूबने लगी। वो मदद के लिए पुकारने लगी। बचाओ, 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 कोई, कोई है, कोई है, बचाओ मुझे। पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। धीरे धीरे उसकी आवाज शांत होने लगी और अनु कुएं में डूब के मर गई। अनु के मरने के बाद बादलों का गरजना शुरू हुआ और अचानक से कुएं में जोर से बिजली आकर गिरी। उस बिजली की वजह से कुएं का पानी उबलते हुए ऊपर आने लगा। पानी पूरी तरह से ऊपर आकर रुक गया और पानी में से अनु की लाश बाहर आई। जैसे ही उसकी लाश ऊपर आई, उस पर बिजली गिरी और उसका पूरा शरीर पानी पर जलने लगा। शरीर पूरा जल जाने के बाद पानी पर खड़ा होकर चलते चलते कुएं के बाहर आ गया। उसने अपनी आंखें खोली तो वो पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। अनु का शरीर एक बौनी चुड़ैल का बन चुका था। अब उन सबको दिखाती हूँ कि मुझे तैरना आता है कि नहीं। और वो बौनी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। वो बौनी चुड़ैल हवा में उड़कर गांव आ गई और एक एक करके उन तीनों लड़कियों को सोते हुए उठाकर अपने साथ कुएं के पास ले गई। चुड़ैल ने उन्हें जमीन पर लिटाकर खुद कुएं में कूद गई और कुछ देर बाद तीनों लड़कियां होश में आई
और अपने आसपास देखने लगी। रेखा, लीला, तुम दोनों, हम यहाँ कैसे आए? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। तुम आए नहीं हो, लाए गए हो। एक मिनट, ये आवाज तो कुएं से आ रही है। तीनों ने कुएं में झांक कर देखा तो अंदर अनु आराम से तैर रही थी। अनु, तुम इतनी रात को कुएं में क्या कर रही हो? और अभी वो आवाज किसकी थी? वो सब छोड़ो, अंदर आओ, तैरते हैं। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, चलो घर चले। तीनों लड़कियां जाने लगी, उतने में कुएं से आवाज आई। रुको, वरना सब मारे जाओगे। वो तीनों वहीं रुक गई। कुएं का पानी फिर से ऊपर आने लगा। इस बार वो बौनी चुड़ैल पानी पर खड़ी थी। मैं कहती हूँ अंदर आओ। चुड़ैल को देखकर तीनों बहुत डर गई। लड़कियों को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। लड़कियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे, पर आखिर में हिम्मत करके वो पानी में उतरी और तैरने लगी। तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था ना, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम लोग इसी कुएं में हमेशा के लिए दफन हो जाओगे। उतना कहकर वो जोर से चीखने लगी। उसके चीखते ही तीनों लड़कियां डरने लगी और अचानक से चुड़ैल के ऊपर बिजली गिरी। बिजली के गिरते ही पानी का उबलना शुरू हुआ। पानी की गर्मी लड़कियों को महसूस होने लगी। वो पानी के बाहर निकलने के लिए तेजी से तैरने लगी, पर पानी बहुत उबल रहा था, इसीलिए उन्हें तैरने में तकलीफ हो रही थी। धीरे धीरे उनका शरीर लाल पड़ने लगा और मांसपेशियां जलने लगी। तीनों मदद के लिए पुकारने लगी, चिल्लाने लगी। बचाओ, 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 बचाओ यहाँ से। कोई है, कोई है, कोई है। चुड़ैल जोरों से हंस रही थी। कुछ देर बाद तीनों के शरीर आग में जलने लगे। लड़कियां दर्द के मारे जोरों से चीख रही थी। चुड़ैल को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। आखिर में लड़कियों के शरीर पूरी तरह से जलकर पानी पर तैरते रहे। पानी फिर से नीचे जाने लगा। पानी के नीचे जाते ही उस चुड़ैल ने तीनों लड़कियों की लाशें उठाई और पानी के नीचे गायब हो गई।